आजकल हमारे देश में शादियों का बड़ा सीजन चल रहा है, तो इसलिए मैं वेडिंग से रिलेटेड वीडियो डाल रहा हूँ। इससे पहले हमने आशीष चंचलानी की वीडियोस डाली थी, टाइप्स ऑफ पीपल डूइंग इंडियन वेडिंग, और आज हम इसमें मैसिव रिएक्शन देखने वाले हैं हर्ष बेनीवाल की वीडियो इंडियन एंड वेडिंग। तो देखते हैं फिर मिक्स मैसिव रिएक्शन। आपको मिक्स रिएक्शन अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जितने भी हैं ओ बस रुक जा, मोनी रो, आज ही नागिन बनेगी। चल ये साउंड नाचन दे, हां तेरे बाप की शादी नाचन दे, चल ले रहा। इरिटेटेड ओ चटा, टाइट बांध ले अपनी मां को, फोन में लगा हुआ है, टेंट खुल गया ना, मैंने तेरे खोल देना है, जोर से गांठ बांध उसकी, गांठ बांध उसकी गांठ। ओ गांठ कह रहा हूं, क्या सुनाई दे रहा तेरे को? गोल घूम जाइयो, तेरे सामने सीधा भवन, सीधा भवन से ले ले, मेरा भी अपना लेफ्ट ले ले, वहां से घूम जाइय। अरे धीरे करो यार, मेरे को आवाज नहीं आ रही। हाँ फिर फ्लाईओवर आएगा, फ्लाईओवर नीचे यू ले लियो, यू करके लियो पर। हाँ ठीक है, और एक काम कर, यू घूम जा, उसके बाद तुम सीधा आएगा वहां पे, देखो एक काला कुत्ता होगा, काले कुत्ते से लेफ्ट ले लियो, पूछ जा रहा होगा लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है, देखो क्या कह रहा है, खाई है। अरे कहाँ आ गया तू? अरे एक काम कर, कोई बोर्ड बोर्ड आसपास पता क्या लिखा है उसपे? अरे क्या मतलब, मसूरी में आपका हार्दिक स्वागत लिखा है। अरे कहाँ पहुंच गया यार? अरे धीरे नाचो यार, मेरे को आवाज नहीं आ रही। अरे यार ये पागल भाई साहब, ताऊ जी सुबह से बहुत मेहनत कर रहे हैं, कौन सी साइड से है? अरे इसकी बहन का कमलेश किसके अंडर दे दिया मेरे को तूने? हाय बहन जी, पूरी प्रियंका चोपड़ा हो रही मैं निकाला राजू, ऐसी दिखूं मैं? और बहन दे, और दिन मलिंगा दिखा तू। 15,000 रुपए फूक दे बाल पे, ऐसे ना बोल। 15,000 फूक दिए? पर सगन में कितना डाल रही तू? 500। 51 तो फालतू मत दियो, एक भी मिट्टी की शादी में 51 रुपए दिए थे इसने। खाना देगा तुम्हें, दाल मखनी में डालना है और साग पनीर में सायना है। अपनी बेटी की शादी में I20 निकाली है, और हमने अपनी बेटी की शादी में मर्करी निकाल दी थी। कौन सी हो गए? वो ना है चार छल्ले वाली, WW हो गए। हाँ वो एक WW सुषमा की लड़की कैसे तैयार रही थी, देखिए छोटी स्कर्ट पैर का आगे शादी में। तो कैसी हो रही, कैंची सी एकदम? शादी में कौन पैरा स्कर्ट, सर्दी ना लग रही इसने? सही चाव है, 10-10 लोंडे आके बैठ के देखे पूरे पैर पर वैक्सिंग करा खा रही पूरे बेशरम। पूरा हमारी बेटी लेकिन ऐसा तो सारे के कार्ड में नहीं लिखा था, आप लिख दिया। जीजू आप तो बुरा मान गए, आप तो बुरा मान गए। अच्छा आप बता कितने लोगे जूते? 5,000। 3,000?
दो एक 500 पापा की बार क्या था बार बेचते गिराने का मैंने बोला पापा को पट्टी की किस्तों लगा दो पर नहीं उन्होंने चीजें लगा दी पर मैंने बाहर के दोस्त आया मैं क्या चीनी किलो मैंने पापा को बोला कि पापा पीने का किसी ने कहते पीने का रूप से दूध है मैंने बाहर के लंदन के दोस्त आया रूप से दूध पिलाओ बताया मैंने बोला पापा मत करो मत करो तो सुनते हमें भी खिलाओ हम भी खाएंगे जी जू जी हमें भी खिलाओ इधर भी रामदेव कैसे नाच रहे हैं रामजादे मेरे को बुलाने भी नहीं आ रहा एक बार बुलाने जा रहे पूरा स्टेज तोड़ दूंगी मैं कुर्सी लगा देता गद्दे वाले और बाहर लड़की खड़ी करता था दो यूं फूल डालने वाली पर नहीं हमको बोला नहीं किसी ने मेरे को बोलो सही बेटा टेंट पे टेंट यूं खड़े कर दूंगा हम खुद नहीं करते हमें बोलना पड़ता बेटा हम खुद क्यों करें अपनी इज्जत है ये देख बेटे ये देख पनीर है कोई है बेटा ऐसा लग रहा है थर्माकोल के टुकड़े काट के डाल रखे हैं बेटा हमको बोलना मारो तो विजय भाई है 550 रुपए की प्लेट है पर बंदा खा के देख ले कर बेटा मजा आ जाएगा बहुत बढ़िया खाना बेटा बहुत बढ़िया पर नहीं हमें बोला नहीं किसने करने के लिए हम खुद थोड़ी करेंगे हमारी भी इज्जत है बेटा हम खुद नहीं करते दुल्हने कोई है अतु बेटा हमको बताते एक से एक दुल्हन दिलाते तेरे पापा को बोला था मैंने हमें बोल दो पर नहीं कोई माननी नहीं हमारी बात हम दिलाते दुल्हन कह रहे थे हम हमारे जीजा जी ना लंदन वाले एक से एक दुल्हन दिलाते हैं उनका बिजनेस है दुल्हन का इंडियन रशियन सब नहीं हमारी सुननी नहीं है हमें बोलोगे तभी हम कराएंगे ऐसे थोड़ी कराएंगे हमारी भी इज्जत है बिना बोले नहीं करते बेटा हम इज्जत वाले हैं एक बार खींचूंगा एक बार फट जाएगा इतने लोकल टिश्यू मंगाए उन्होंने ये देख देख रहा कैसे एक बार फट गया मैं इनको कह रहा था मेरे को बता दो मेरे छोटे भाई की दुकान है करोल बाग में एक नंबर की टिश्यू देगा मुंह साफ करेगा फिर घर जाके लैट्रिन करेगा फिर उसको लैट्रिन साफ करेगा फिर तो धो के सुखा देगा ना बेटा अगले दिन फिर मैं बता रहा बेटा तेरी गांठ बढ़ जाएगी हमारी भी इज्जत है ऐसा नहीं करेंगे नमस्ते भाई साहब अरे भाई साहब कैसे भाई साहब कोई तैयारी में कमी वगैरह है भाई साहब बहुत बड़े मतलब हमको मजा आ गया टेंट एक नंबर आपका आपका ये टिश्यू एक नंबर पनीर एक नंबर और जो मतलब भाई साहब कोई दिक्कत हमसे माफ करना अरे भाई साहब शर्मिंदा एंजॉय करो ठीक है खाना ओके भाई साहब
अरे भाई साहब बहुत पैसा लगा दिया शादी में। अरे वो तो पैसा आ गया नोस्टा प्रो पे कैस कर करके तो लगा दिया पैसा। ये मेरा बेटा अंगल के पैर छू ये तेरे दूर की मौसी के रिश्तेदार के बेटे हैं दूर के पापा जी है ना उनके बेटे हैं उनके सास के बेटे के पोते के लड़के हैं पैर छो और ये बेटा कोई तो है पैर छो चलो पैर छो पैर छो ठीक है आराम से। अरे भाई साहब बेटा ये बेटा कुछ तो है चलो पैर छो पैर छो भाई के धन्यवाद पूरा भी है तेरे दूर के मौसी के लड़के के रिश्तेदार पूरा। अरे तू पागल रो क्यों रही है? अरे मैंने कर ली डॉक्टर से बात कुछ नहीं हुआ बस कमर फ्रैक्चर हुई है। हाँ ठीक है अरे मतलब हो गई बात जिंदा हमारा नहीं जिंदा है जिंदा वो गाड़ी बेटा अरे साहब गाड़ी निकालो यार जल्दी जब खाना खाओ तभी उठाते वीडियो है ना थोड़ा उधर भी कर लो बेटा भाई सब थोड़ा उधर शूट कर लो हम खा ले पहले भाई सब आपसे बात कर रहा हूँ कुछ और कर लो शूट कैमरा खिला दो खाना खिला दो कुछ और कर लो शूट पागल आदमी गया तो पागल हो गया बहुत ही फैंटास्टिक वीडियो थी और ये दिख रहा था कि काफी सारी चीजें ऑब्जर्व करी गई थी। आमतौर पे ये हर वक्त हर दूसरी दिन शादी में चीजें होती है कोई ना कोई कैरेक्टर देखने को मिल ही जाता है दसालिया हो जीजा हो ताऊ हो चाचा हो कोई भी रिश्तेदार हो ये सब तो होता ही होता है। स्पेशली जो पैर छूने वाला दिन वो तो लिटरली होता ही हर शादी में ही होता है कि एक आदमी अपने रिश्तेदारों का पैर ही छूता रह जाता है। तो लेकिन ये बहुत मज़ेदार थी हर्ष बेनीवाल की वीडियो। आपको भी वीडियो देखने में मज़ा आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। मैं देखिए दूसरी वीडियो में बाय बाय टेक केयर थैंक्स फॉर